कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर छिड़े घमासान में जहां कांग्रेस के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उमंग सिंगार को सोच समझकर बयान देना चाहिए। दिग्विजय सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, घर का विवाद घर में ही सुलझा लेना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा अब इस मामले में कमलनाथ की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जल्दी कमलनाथ को हस्तक्षेप कर दिग्विजय सिंह के पत्र और पीसीसी अध्यक्ष के मामले पर कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि विवाद को जल्द खत्म किया जा सके। सज्जन वर्मा ने कहा कि सभी जानते हैं कि आनंद राय की किस से नजदीकियां हैं। आनंद राय के वायरल ऑडियो पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने अपने भतीजे के खजराना मंदिर में केक काटने के मामले को भी सही ठहराया। सज्जन वर्मा ने कहा कि बीजेपी वाले क्या क्या नहीं काटते, कई गायों से भरे ट्रक पकड़ा रहे हैं। अगर मंदिर में एक केक काट लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। हाँ, मुझे जानकारी लगी है। हमारे साथी अरुण यादव जी ने एक ट्वीट किया है उमंग सिंघार जी और आदरणीय नेता दिग्विजय सिंह के पत्राचार से दुखी होके उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने शायद इस दिन के लिए संघर्ष नहीं किया था। अरुण यादव जी सीनियर लीडर हो गए हमारे, तो कार्यकर्ताओं की मन की पीड़ा उन्होंने रखी है। मैं समझता हूं कि एक सेतु का काम अरुण यादव जी को उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह जी के बीच में करना चाहिए और कार्यकर्ताओं की पीड़ा उन दोनों आदरणीय नेताओं को बताना चाहिए कि आपके पत्राचार से भ्रांति पैदा हो रही है और कार्यकर्ता दुखी है। तो ये सही समय है एक पुल का काम करने का अरुण यादव के लिए, और जो संघर्ष उन्होंने किया है उस संघर्ष की परिणति कांग्रेस की सरकार बन के हुई। अब इन दोनों के पत्राचार की परिणति यदि वो पुल का काम करेंगे तो